दोस्तों आज आप लोग सैर करने वाले हैं मसूरी शहर की, और हमने ये यात्रा शुरू की है अपने निवास स्थान धनोरा से मसूरी के लिए। तो दोस्तों हम लोग मसूरी के लिए निकल चुके हैं। हमारे यहाँ से मसूरी 218 किलोमीटर पड़ेगा। रास्ते में दोस्तों हरिद्वार के रास्ते हम लोग गए हैं, तो अगर हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं तो वैसे हमारे यहाँ से हरिद्वार जो है वो 128 किलोमीटर पड़ता है। तो जब हम लोग हरिद्वार पहुंच ही गए हैं दोस्तों, क्यों ना यहाँ पर स्नान कर लिया जाए। हर की पौड़ी पर हम लोग स्नान करने चलते हैं। परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप सभी अपने जूता चप्पल चौकी हर की पौड़ी के पीछे बने हुए अथवा दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से मसूरी के लिए, और इसका डिस्टेंस पड़ेगा 85 किलोमीटर। लगभग हम लोग 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2.5 घंटा तो दोस्तों मिनिमम मान सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग मसूरी में पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ का टेम्परेचर अभी ठीक है, धूप खिली हुई है। सुबह के समय दोस्तों कुछ मौसम अलग ही रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर मैं आपको डिस्कस करूँगा कितना टेम्परेचर रहेगा। चलिए फिलहाल हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। दोस्तों मसूरी पहुंचने के बाद हम लोगों ने रूम लिया, और रूम दोस्तों पहले आराम करना ज़रूरी था, और रूम को डिस्कस करेंगे हमारे सतेंद्र भाई, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है रूम के बारे में। बैग्स वगैरह हैं, और इधर ये अंकुर भाई हैं, उधर रोहित भाई हैं, ये जी मनोज कुमार जी हैं। ये मनोज सर अपना बिजी हैं काम करने में लैपटॉप में फ़िलहाल। तो रूम की कंडीशन मैं इस प्रकार दिखा दूँ, 4 लोग हैं हम। यहाँ पर एक डबल बेड है और यहाँ पर एक सिंगल बेड है, तो 3 इधर और एक सिंगल जिसको अलग सोना है, जिसको ज़्यादा ही हाइजीन पसंद है वो यहाँ पर सो सकता है। और आगे चलता हूँ, देखिएगा यहाँ पर वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, काफ़ी बड़ी की एक मिनी फैन है ऊपर। और इस साइड में आ जाऊँ तो मैं यहाँ पर एक टीवी है, ये देखिएगा बाहुबली स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर बाथरूम वगैरह की सुविधा है, तो उसको भी दिखा दूँ मैं आपको। कुछ इस तरह का नज़ारा है अंदर का। ये देखो देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, होना भी चाहिए, है ना। ये सामने देखेंगे तो यहाँ पर वो एक वॉश बेसन लगा हुआ है, और यहाँ पर एक इस तरह का मिरर है कुछ, ये देखिएगा एक गीजर लगा हुआ है। और ये देखिए कॉल की भी सुविधा, अगर आपको खाना वगैरह कुछ मंगाना हो या कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ में ये देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पर फर्नीचर टाइप, ये ड्रॉअर वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हैं कुछ। अभी फ़िलहाल खाली है, कुछ नहीं रखा, हमको चाहिए भी नहीं है। और ये रोहित भाई कैमरे की सेटिंग करने में लगे हुए हैं। दोस्तों मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, और ये उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले में पड़ती है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक शहर है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं बाय ट्रेन, बाय सड़क, बाय एयर, आप लोग किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। देहरादून से मसूरी 60 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आ सकते हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून ही है, जो कि 60 किलोमीटर पड़ेगा। साथियों पहले आप लोग इन पहाड़ों को फील करो। आप लोग जो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं ना, वो वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की खुशबू ही अलग है। तो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटी की, तो इस एक्टिविटी में हम लोगों ने एक टूटा फूटा गाना भी गाया था, तो आप लोग उस गाने को सुनिएगा कैसा रहा, पहले फीडबैक जरूर देना आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा इधर से कोई नहीं है, और मैं आपको इधर का रास्ता भी दिखा देता हूँ। वैसे हम लोग जो आए ना अपने हेलीकॉप्टर से आए, 2 हेलीकॉप्टर हमारे खड़े हैं, एक ये यहीं पर लैंड हुए हैं, यहीं पर लैंड हुए हैं हमारे। तो आज हम लोग आपको जो ना गाना सुनाते हैं आपके डिमांड। हाँ बिल्कुल, गाना सुनाइए। तो सुरेंद्र कौन सा गाना होगा? गाना होगा चांद सी महबूबा। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा कर दिया। मार साहब शुरुआत करिए, मैं करूँ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांसी महबूबा ओ मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है ना सिकवें है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, एक ही रूप ख्यालों में था मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह वाह, मसूरी में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लाउड एंड भट्टा फॉल कैम्प्टी फॉल के बारे में बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं आप सभी को। लेकिन दोस्तों पहले आप लोग देखिएगा, ऐसा लग रहा था हम लोगों को जैसे हम लोग बस एक अलग दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों आप लोग देहरादून से मसूरी के लिए अपनी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, प्राइवेट बस से भी आ सकते हैं, सरकारी बस से भी आ सकते हैं, जैसा आप लोगों को उचित लगे आप लोग देहरादून से आ सकते हैं। और देहरादून से लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा आप सभी को। और अगर मैं बात करूं आप लोगों को मसूरी कब आना चाहिए, तो मसूरी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, सैटरडे और संडे दो दिन दोस्तों थोड़ा ध्यान से रहना, काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग भीड़ से बचना चाहते हैं और अगर आप लोग रूम भी सस्ते लेना चाहते हैं, तो अगस्त सितंबर के बाद यहाँ पर दोस्तों ठंड स्टार्ट हो जाती है। मतलब वैसे तो ठंड रहती है लेकिन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है साथियों। तो जैसे आप लोग फील कर पा रहे होंगे इस अनोखे दृश्य को, मनमोहक दृश्य आप सभी के समक्ष लग रहा है। तो हम लोग 4 व्यक्ति गए थे और 2 हमारे पास बाइक थी, अर्थात 1 बाइक और 1 स्कूटी और हेलमेट होना अनिवार्य है 4 व्यक्तियों के पास। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं दोस्तों यहां पर। साथियों हम लोग आ चुके हैं क्लाउड एंड में और यहां दोस्तों ऐसा लगता है जैसे बादलों के ऊपर हम लोग बैठे हों। यहां पर आप लोगों को सूर्य अस्त होते हुए या सूर्य उदय होते हुए ज़रूर देखना चाहिए। यहां की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग किसी भी समय आ सकते हैं। साइड चलेंगे तो एक अच्छी सी एक कैंपिंग साइड है यहाँ पर आप नाइट में कैंपिंग कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा ग्रुप में कैंपिंग करें, सोलो कैंपिंग का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। कर सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा है तो, वरना हम यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि आप सोलो कैंपिंग करें। ग्रुप में बहुत बढ़िया एरिया है यहाँ पर कैंपिंग करने का। देखिए पहले भी यहाँ पर कुछ लोग रुक चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे आग जलाई हुई है, ये जो है राख है लकड़ियों की, ये यहाँ पर भाई लोग बैठे हुए हैं। कैसा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, फील हो रहा, फील बढ़िया। और यहाँ पर थोड़ा सा इधर का नज़ारा देख लो, ये नीचे कोई झरना चल रहा है जिसका साउंड आ रहा है धीरे धीरे, पर वो दिखेगा नहीं यहाँ से क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। दोस्तों अगर आप लोग क्लाउड एंड जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी से 6 किलोमीटर दूर आपको ये स्थान मिलेगा और आपको घने जंगलों से जाना पड़ेगा और यहाँ पर बीच में आपको बिनांग नामक वन्य जीव अभयारण्य भी देखने को मिलेगा। दोस्तों लाइब्रेरी से 6 किलोमीटर मैंने आप लोगों को बताया और यहाँ पर दोस्तों आपको फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थान है, फोटोग्राफी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो हाथी पाँव क्षेत्र पड़ता है मसूरी में, यहाँ की कोई फीस नहीं है, एनी टाइम आप लोग आ सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना यहाँ पे काफ़ी ऊँचे स्थान पर है। अपन आ गए हैं बादलों से ऊपर, कहाँ देख सकते हैं बादलों से बिल्कुल जस्ट ऊपर आए। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कैम्प्टी फॉल जो कि मसूरी से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राम गांव में पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। यहां पर आप लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं, प्रवेश शुल्क फ्री रहेगा। यहां पर दोस्तों आप लोग कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। होने दे अबे, अब मारेंगे तुम, से लाड़ नहीं करने वाला तुम, बहुत 50 रुपए का भाई ये लो चढ़ेगा क्या, मुझे देख और ट्राई कर लो भाई, नहीं एक मैं एक मैं एक मैं। तो गाइस मनोज भाई ने थाली है बंदूक अब, दोस्तों कैम्प्टी फॉल में जाने के लिए
रोपवे का यूज भी आप लोग कर सकते हैं, जिसकी फीस दोनों तरफ से 120 रुपये लगती है। और लोकर में वहाँ पर आप लोगों को 50 रुपये देने पड़ेंगे, जहाँ पर आप लोगों के कपड़े रखे जाते हैं। तो चलिए फील कीजिए। जा रहे भाई। फर्स्ट टाइम दोस्तों रोपवे में बैठे थे, और जब ये चलता है तब थोड़ा सा अनुभव होता है, और जब ये रुकता है ना तो मतलब ऐसा लगता है कि यार गिर गए, लेकिन बीच में कुछ भी पता नहीं लगता। इसकी फ़ीस 120 रुपये है दोनों तरफ से, आप लोग इसको इंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कैंपटी फॉल झरने की तरफ फटाफट से। ले लेंगे यार, तो कोई बात ना। वापसी में हम लोग चलते हैं भट्टा झरना। भट्टा गांव में पड़ता है, जो कि मसूरी से 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। छोटा सा गांव है शायद। तो हम लोग खड़े हैं भट्टा फॉल पर मसूरी में, और ये भट्टा फॉल जो है ना सड़क से बहुत ज़्यादा निचाई पर है। अब देखिए यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, सुबह सुबह का मौसम है, कोई है नहीं यहाँ पर, मतलब हम ही लोग आए हैं सुबह सुबह। तो मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, सुनिएगा आवाज़। आवाज़ इतनी है बहुत ज़्यादा। फॉल दिखा देता हूँ, फॉल कैसे आ रहा है, मतलब जो झरना है ना वो ऊपर से आ रहा है, और आवाज़ जो है ना बहुत तगड़ी आवाज़ है। और यहाँ पर देखिएगा, जो भी देख पा रहे हैं आप लोग, मैं दूसरे कैमरे से दिखा देता हूँ आपको। भट्टा फॉल पर आप सभी को मिल जाता है चिल्ड्रन पार्क, कई सारे तालाब बने हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप लोग दोस्तों बोटिंग भी कर सकते हैं, पिकनिक स्पॉट माना जाता है इसको। और ये भट्टा गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग पैदल आने की ना ही सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मसूरी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए अब लोग हम लोग वापसी चलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों वापसी में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह घूम कर आए, और हम लोगों ने नदियाँ भी पार की थी, जो कि सूखी नदियाँ थी, और मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। रास्ते में हम लोगों को हेलीकॉप्टर का हेलीपैड भी देखने को मिला, और यहाँ से प्राइवेट जेट जाते हैं। आप लोग कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, आप लोग बुक कर सकते हैं फैमिली के साथ। और जैसे कि आप लोग केदारनाथ भी यहीं से जा सकते हैं, अगर आप लोगों को मसूरी के लिए जाना है तो यहीं से आप लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने आप इस तरह से उड़ते हुए देखा था, सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे 5-6 जेट यहाँ पर खड़े हुए थे, जो कि प्राइवेट जेट हैं, आप लोग इसको बुक भी कर सकते हैं। ठीक भाई, उड़ेगा गया 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 चल बेटे चल, वाह बेटे वाह, आबाद बेटा आबाद, वाह बेटे वाह, गजब। अरे गया यार ये तो, एक तो उड़ लिया। वापसी में दोस्तों फिर से हरिद्वार चलते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वो हरिद्वार को ही निकलता है। तो फिर से हम लोगों ने हरिद्वार में विजिट किया, और यहाँ पर भी थोड़ी देर रुके, नाश्ता पानी किया, फिर से अपने घर के लिए चलते हैं। और दोस्तों ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा, हम लोग 4 लोग थे, और 4 लोगों ने हमने 2 बाइक थी, जिसमें कि एक स्कूटी और एक बाइक। ठीक है, और हमारे यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है। ठीक, तो ये हरिद्वार का पुल है, और आप लोग देख सकते हैं जय भोले की। और आपको कैसा ये ब्लॉग लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।